अपनी जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस भी एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित है। कर्नाटक में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शनिवार की सुबह शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कुछ ही घंटों में रुझान आ जाएंगे और दोपहर बाद तक स्थिति साफ हो जाएगी। वोटों की काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग तो कमर कस ही चुका है। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस जैसी पार्टियों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली। 10 मई को मतदान के बाद हुए तमाम एग्जिट पोल बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बता रहे हैं, जबकि जेडीएस किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ एग्जिट पोल्स पर। रिपब्लिक पी मार्क्यू एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 85 से 100 सीटें, कांग्रेस को 94 से 108 सीटें और जेडीएस को 24 से 32 के साथ अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। जी न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 89 से 94 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 103 से 118 सीटें, जेडीएस को 25 से 33 सीटें और अन्य को 2 से 3 सीटें मिल सकती है। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 78 से 94 सीटें, कांग्रेस गठबंधन 106 से 120 सीटें, जेडीएस को 20 से 26 सीटें और अन्य को 2 से 4 सीटें मिल सकती है। वहीं एशिया नेट के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 94 से 117 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 91 से 106 सीटें, जेडीएस को 14 से 24 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीटें तक मिल सकती है। 10 मई को कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर मतदान हुआ। सूबे की जनता ने लोकतंत्र पर भरोसा दिखाते हुए 70% मतदान किया। मतदान का प्रतिशत देखते हुए जहां बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है तो कांग्रेस एग्जिट पोल के आंकड़ों से उत्साहित है। हालांकि बीजेपी नेताओं का मानना है कि एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वोटिंग होने के बाद से यहां सियासी सरगर्मी बनी है। इस बीच जेडीएस ने कहा है कि वो तय कर चुकी है कि परिणाम घोषित होने के बाद सरकार बनाने में किस पार्टी का समर्थन करेगी। बहरहाल कर्नाटक में इस बार का सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों पार्टियों ने सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक की जनता ने किसके पक्ष में ये फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पाकिस्तान धधक रहा है आतंकवाद का सरपरस्त। ये मुल्क अपनी ही लगाई आग में जल रहा है। कंगाली के साथ साथ गृह युद्ध जैसे हालात से गुजर रहे पाकिस्तान पर अब इमरजेंसी के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हैं जिनकी वजह से मुल्क हिंसा में झुलस रहा है और दूसरी ओर